कुछ देर संवाद हुआ और आखिर तो उन गोपियों के चित्त में प्रेम की प्रबलता देखकर, भाव की प्रबलता देखकर ठाकुर जी ने उनको स्वीकार कर लिया। चलो आओ मिलकर नृत्य करें। और खूब सुंदरता से गोपीजन ठाकुर जी के साथ नृत्य करने। मेरे भाई बहन, अब नृत्य करते करते ठाकुर जी एक लीला कर रहे हैं। क्या लीला कर रहे हैं? एक गोपी बैठे बैठे अपने अपना पसीना सुखा रही थी। उसे श्वेत प्रकट हुआ, पसीना आ गया, तो श्री ठाकुर जी अपने पीतांबर से हवा करके उसके पसीने को सुखाने में मदद करने लगे। पहुंच भी दिया अपने पीतांबर से ले। शादी ब्याह में जो जो दुल्हन हो या दूल्हा हो, वो अपना पसीना नहीं पहुंचते, उसके अगल बगल वाले जो होते हैं वही उसका वो पहुंचते हैं। दो मिनट रुको, वो दूसरे ही पहुंचते, तो उससे उसके अंदर थोड़ा एक आवेश आता कि हाँ भाई आज अपन कुछ स्पेशल है, आज अपन कुछ खास। फिर अगले दिन कोई नहीं करता तो उसको वो भी ध्यान में आ जाता है कि भाई वो एक ही दिन का स्पेशल पना था, अब वापिस वही घोड़े वही मैदान। तो भगवान ऐसे कर रहे, किसी को गर्मी लग रही उसको हवा कर दे रहे, किसी की वैणी खुल गई, माथे की वैणी खुल गई तो ठाकुर जी ने उसे बांध दिया। कोई गोपी श्रमित हो गई तो अपने अपने भुजाओं का तकिया बना दिया अपने कंधे की, और तुम यहां मस्तक रख के थोड़ी देर विश्राम कर लो। अब इस प्रकार के विशेष विशेष जब ठाकुर जी ने व्यवहार गोपियों के प्रति किए तो महाराज गोपियों के चित्त में सौभाग मद उदय हो गया। तासां तत सौभाग मदम वीक्षमानं च केशव। ठाकुर जी ने गोपियों में सौभाग मद देखा। अब जो भगवान कर रहे हैं वो तो भगवान की अनुकंपा का प्रसाद है, वो तो ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का अनुग्रह है, उनकी दयालुता है। जो श्री ठाकुर जी गोपियों से ऐसे मिल रहे हैं, उनको इस तरीके से उपलब्ध हो गए हैं गोपियों को कि उनका श्रम दूर कर रहे हैं, उनकी वैणी बांध रहे हैं, ये तो ठाकुर जी की अनुकंपा है, ये तो उनकी अनुकंपा है भाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अपनी पात्रता थोड़ी है, कोई गोपी की वैसी नहीं, ये भगवान की ये भगवान की कृपालुता है। अपने प्रेमी जनों को मिलते हैं तो श्री ठाकुर जी ऐसे मिलते हैं, इस अनुग्रह भाव से मिलते हैं, ऐसा अनुग्रह करते हैं, अपने प्रेमी जनों पर खूब स्नेह लुटाते हैं ठाकुर जी। जब उनको मिलते हैं तो एकदम सहज हो जाते हैं, अपनी किसी भी विशिष्टताओं का संकेत मात्र भी ठाकुर जी नहीं करते, ये उनकी सहजता है, उदारता है। और हम उसको अपना मान ले, देखा कितने बड़े हैं पर देखो हमारे एकदम कैसे। एक महात्मा जी थे, किसी वैष्णव के यहाँ पर अक्सर आते थे और भोजन प्रसाद पाते थे। वो महात्मा जी किसी और के घर कभी योग बना गए भोजन प्रसाद करने, तो योग से क्या था कि वो जो जिसके यहाँ गए वो माता जी और वो उसके भाई साहब और इधर ये उनकी आपस में मैत्री थी, तो उन्होंने सहज फोन करके पूछा कि भाई अमुक को हमारे यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, बताइए कैसे क्या करें। तो उसने कहा भाई हमने सुना है कि ऐसे बिठाने के लिए ऐसा आसन लगाना चाहिए, भोजन ऐसे बनाना चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए। तो वो वहां से वापिस सामने से उत्तर, अरे तुम करो,
हमारे यहाँ तो सब खाते हैं, तुम्हारे यहाँ ये नहीं खाते वो नहीं खाते, बाकी हमारे यहाँ तो आते हैं जब सब खाते हैं। हम तो कोई गद्दा लगाते हैं कोई कोई, हमारे तो आके जो कुर्सी पड़ी हो उस पे बैठ जाते हैं, कुर्सी नहीं हो तो पलंग पे बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे। मेरे भाई बहन, ये उन महापुरुष की सहज सरल कृपा को हमने, ये इसको सौभाग्य मत कहते, ये उनकी कृपा, ये उनकी अनुकंपा कि वो हमारे ऊपर ऐसी दयालुता कर रहे, ऐसा अनुग्रह कर रहे, ऐसा अनुकंपा कर रहे, हम उसको उस रूप में लेवें तो ये हमारा सौभाग्य मत है। हमें अपने सौभाग्य पर घमंड हो गया, इसीलिए हम उसका ज्ञापन कर रहे। बाकी ये घटना दिल के अंदर की, प्रियतम से मिलने वाला जो प्रेम है वो प्रेमी के हृदय की संपत्ति होता है, वो किसी को दिखाया थोड़ी जाता है। यह घटना दिल के अंदर की, तूने शहर में कह कर भूल करी। मेरे भाई बहन, किसी माताजी का किसी अपने पति के साथ झगड़ा हो जाए तो झगड़े का ज्ञापन सर्वत्र करेगी, का लेड़ा लड़िया यूं बोलिया मने यूं करिया। लेकिन पतिदेव ने प्रेम दिया हो, कुछ प्रेम से उपहार दिया हो, उसका ज्ञापन करेगी? बोलिए ना, जोर से कौन बोल रहे हैं आप लोग? उसका ज्ञापन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है। यह घटना दिल के अंदर, ये दिल के अंदर की घटना, इसको शहर में कहना बड़ी भारी भूल है। यह घटना दिल के अंदर की, तूने शहर में कह कर भूल कर। मेरे भाई बहन, मुझे बहुत बुरा लगता है जब अनेक वर वधु, अनेक दंपति अपने प्रेम पूर्वक परस्पर आपस में खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके चित्र खींच खींच करके और जगत में प्रसारित करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे चित्त में ऐसे उन सब ऐसे जान करके बहुत उससे तकलीफ होती है। आपका पति पत्नी का आपस का प्यार है, इसकी घोषणा आप शहर में क्यों कर रहे हैं? उसकी घोषणा आप शहर में क्यों कर रहे हैं? जगत को क्या बता रहे हैं आप कि आप कितने समीप हैं, आपकी कितना आपस में आपका लगाव है? हो सकता है आज के जमाने के हिसाब से आपको वो ठीक लगता है, इसलिए आप उसको महत्व भी देते होंगे, लेकिन हर चीज जमाने के हिसाब से नहीं की जा सकती। मेरे भाई बहन, कुछ तो अपने दिल से भी पूछो कि ये कितना ठीक है, ये कितना ठीक है। ये घटना दिल के अंदर, एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस समय फोटो का ध्यान कैसे आ गया? अगर उस समय फोटो का ध्यान आ गया तो उस मुलाकात में प्रेम की गंध नहीं है। मेरे भाई बहन, फिर आप एक प्रकार का फोटोशूट का कार्यक्रम ही कर रहे हैं, फिर उसमें वो मुलाकात में प्रेम की सुगंध नहीं हो सकती महाराज। ऐसा मत करिए, ये चीज आगे बढ़ते बढ़ते बहुत गलत मुकाम तक पहुंच जाएगी। अगर अभी समय रहते आप लोगों ने अपने आसपास अपने ऊपर इन सब बातों के लिए नियंत्रण नहीं किया तो जरा कान खोल के सुन लीजिएगा, ये चीज आगे चल के बहुत गलत मुकाम पर पहुंच जाएगी। आपका फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर आपके कई बड़े बुजुर्ग लोगों को भी मिला हुआ है और दिन भर में किसी व्यवहार के नाते वो आपको भी तो फोन लगाते होंगे या व्हाट्सएप करने के लिए आपका नंबर देखते होंगे, और उस समय उनके आंखों के सामने जब इस प्रकार के अमर्यादित चित्र आप लोगों के, आप लोग बोलते हो, एक मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए नहीं कर, आप तो बहुत ही अच्छे, लेकिन जब इस प्रकार के चित्र उनके सामने आते होंगे तो सोचिए वो कैसी मर्यादा रहती होगी। मेरे भाई बहन, यद्यपि सबको लगता तो वो बहुत भारी बंधन है, लेकिन मैंने ऐसे भी दंपति को देखा है
कि परिवार के बड़े बैठे हैं तो पांव भी इतने धीरे रख रहे हैं कि हमारे पांव की आवाज भी उनको न पता चले, पांव भी इतने धीरे रख करके आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे पांव रखने की आवाज भी उनको न पता चले। जहां ऐसी मर्यादा का हम लोगों ने अपने परिवारों में संपोषण किया है, और अब वहां महाराज हमुदय उगाड़ा वे गया थे, हैंग ऊंचा मेल दिया, ये क्या है भाई, अच्छी बात नहीं है इसका। अभी अभी आपको लगता है नहीं तो नॉर्मल है महाराज, तो क्या है आप, क्या ऐसी बात बात में हम लोगों को दुखी करते हैं, ये तो सब पूरा। लेकिन मेरे भाई बहन आप खुद सोचो, समझदार लोग हैं, इसका आगे का स्टेप सोचो आप खुद, कि ये चीज अगर अभी यहां पर नियंत्रण में नहीं आई तो आगे बढ़ते 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 इसका क्या स्वरूप होगा। इसका स्वरूप आगे चलते चलते क्या होगा, जरा सोचिए। बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन इन सब चीजों पर नियंत्रण करना, लेकिन क्या करें। मैं कई लोगों को कहता भी हूं, मेरे पास जब ऐसे कोई बात आती है मैं उनको समझाता हूं, आप ऐसा मत करिए, ये नहीं करिए। माँ बाप को कहता, वो कहते महाराज क्या करें आजकल चलता है, मानते नहीं सुनते नहीं। जबकि खुद माता पिता का भी कोई मन का वो भाव नहीं कि हम इसके लिए कुछ करें। ठीक है थोड़ा बेटा बेटी नाराज होंगे, होंगे तो होंगे, लेकिन मर्यादाओं के मस्तक पर पांव रखकर आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं। परंपराओं को दरकिनार करके और मेरे भाई बहन बस मॉडर्न मॉडर्न के नाम पर कुछ भी करना, ये योग्य नहीं मेरे भाई। फिर रिश्तों में वो खुशबू नहीं रहती, फिर रिश्तों में वो खुशबू नहीं रहती। मेरे भाई बहन बहुत सारी बातें हैं इससे संबंधित, कभी और मैं इस बारे में कोई योग बना अपने लोगों का साथ बैठने का तो। लेकिन आप मेहरबानी करिए, सोचिए समझिए फिर चलिए। कम से कम मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, पति पत्नी कोई भी दंपति जो हैं, अपने अपने व्यक्तिगत चित्रों को बिल्कुल भी सबके सामने सोशल मीडिया आदि में प्रदर्शित न करें मेरे भाई। ठीक है कोई आपका मर्यादित चित्र है तो उसमें मेरी प्रसन्नता है, मर्यादित चित्र है जिसको अगर कोई घर का बुजुर्ग भी देखे तो ये मारा बेटा बहू है उसके, वो उसमें उसका वो मन हो, ऐसा नहीं हो कि उसका भी सिर झुक जाए कि राम 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 राम, मैं कैसे बताऊं कि ये सेठ श्री 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 की ये पुत्र वधु है, मैं कैसे कहूं, ऐसा नहीं। खुश हो कि आहा ये मेरे वो है। अब आज आप कैसे बढ़िया अच्छी सी साड़ी पहन के टीका उका लगा के भाई लोग कुर्ता उर्ता पहन के अब बढ़िया फोटो खिंचाओ, और ऐसी फोटो आप लगाओ माथे पर तिलक लगा हुआ हो, आभूषण पहने हुए, तो वो आपके चित्र एक प्रेरणा भी देंगे। बहुत से लोग आपको भी देखकर कुछ विचार बनाते होंगे तो उनको भी सोचना पड़ेगा, ओहो ये इस भाव में कैसे। और फिर ऐसे ही चित्रों को आप भविष्य में लगाइए, ऐसे नहीं कि कोई भाकर माते घूमने गया अनूठे कोई टोपी पहरियोड़ी इन भाई जीरे टी शर्ट पहरियोड़ान भाई सर है उगाड़ान खांगान बाकान ऐसे यूं मत लगाई जो थे हाँ भाई घने भूंडो लागे बहुत बुरा लगता है मेरे भाई बहन। इसलिए बहुत सुख है मर्यादाओं में रहने से, परंपराओं का पालन करने से बहुत सुख मिलता है। आप करके देखिए आपको अच्छा लगेगा। तो भगवान इतनी सहजता से मिल गए गोपियों को, ऐसा भगवान व्यवहार करने लगे तो उनके मन में भाई सौभाग मद आ गया, गोपियों में सौभाग मद आ गया कि अरे हमारे जैसी कौन हो। देखो जो सुख देवताओं की स्त्रियों को नहीं मिला, जो सुख देवताओं की स्त्रियों को नहीं मिला, जो सुख ऋषि कन्याओं को नहीं मिला, वो सुख हमको मिल रहा है।
वो सुख हमको मिल रहा है, कितने हम कितनी वो हैं, हमारे जैसी कौन होगी जो देखो श्री कृष्ण हमारा जूड़ा बांध रहे हैं, हमारे को हवा कर रहे हैं, ऐसा वो सौभाग्यमद हो गया। और श्री ठाकुर जी प्रशमाय प्रसादाय तत्रेवांतर दीयत। ठाकुर जी गोपियों के मध्य से अंतरित हो गए, और जब ठाकुर जी गोपियों के मध्य से अंतरित हो गए, अब गोपियां थोड़ी देर तो सोची छलिया है, ये ऐसा करता ही रहता है, ये तो यूं ही करते हैं, कभी इधर आते कभी उधर जाते हैं, ऐसा करते वैसा करते, कोई बात नहीं, कब तक छुपे रहेंगे, अभी आ जाएंगे। लेकिन बहुत देर तक जब श्री ठाकुर जी नहीं आए, तब गोपियों को चिंता हुई। अब गोपियों ने भगवान का अन्वेक्षण प्रारंभ किया, ढूंढने लगी, लताओं पताओं से हरिण से सबसे पूछने लगी, कहाँ हैं श्री कृष्ण, कहाँ हैं श्री कृष्ण, कहाँ हैं। लेकिन उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ। घूमते घूमते यमुना जी के पावन पुलिन पर सारी गोपियां पहुंचती है, और वहां पहुंच करके सब गोपियां गोपी गीत के माध्यम से भगवान का आह्वान करती है। मेरे भाई बहन, गोपी गीत में कुल 19 श्लोक हैं, वो 19 ही श्लोकों का पाठ करने का दास का भाव है। जिन लोगों को गोपी गीत याद हो वो लोग, देखो ऐसा होता है ना, कोई फिल्म होती है ना, उसमें गाने भी होते हैं, लेकिन फिल्म देखने की उतावली होती है ना, तो लोग रिमोट से गाने कट कर देते हैं। आपको पता हो तो सीडी जब चलती है या कोई भी हो, तो जैसे ही कोई गाना है बोले गाना क्या देखना है, तो गाने को कट कर देते। लेकिन कोई गाना इतना गजब का होता है कि उसको गाना ही सुनना भी पड़ता है, उसको कट नहीं किया जा सकता। जिस गाने के कारण फिल्म हिट हुई हो, उस गाने को कोई कैसे कट कर सकता है। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन, श्रीमद भागवत जी को वैष्णवों के चित्त में, श्रीमद भागवत जी को वैष्णवों के चित्त में प्रधान स्थान दिलाने वाला जो गीत है वो ये गोपी गीत है। ऐसी दिव्यता है इस गोपी गीत में कि आप इस गीत में कोई भी वैष्णव गावे उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा भी कुछ इसमें भाव है, मेरा भी कुछ इसमें भाव है। कनक मंजरी छंद में ये गोपी गीत है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने भागवत रहस्य टीका में आज्ञा करी है कि यह गोपी गीत जो है यह कनक मंजरी छंद में है, इसलिए इसमें कनक के गुण हैं। तो आप श्री बताते हैं कि तीन कनक को तीन चीजों में, एक तो कनक बोले तो स्वर्ण, एक कनक बोले तो धतूरा, और एक कनक बोले तो गेहूं का एक प्रकार, सफेद दाने जिसके होते हैं गेहूं के, उसको कनक बोलते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि तीनों में ही नशा है, स्वर्ण में भी नशा है, धतूरा तो नशे का प्रतीक है ही है, और वो जो कनक गेहूं का एक प्रकार है उसमें भी नशा है। उसको खाने के बाद आप ज्यादा रोटियां खा लेंगे तो आलस्य आएगा आपको, आपने अनुभव किया होगा कभी, ज्यादा बाटियां खा लो आप, दाल बाटी चूरमा खा लो आप, तो आपको आलस्य आएगा। इसलिए किसी जमाने में लाल गेहूं चलते थे, लाल गेहूं आलस्य नहीं बढ़ाता था, सुपाच्य होता था, तुरंत पचता था। उसको लाल गेहूं का जो आटा होता था, गूंथने के बाद उसको पानी में थोड़ी देर भिगोना पड़ता था, तो वो आटा पानी को भी सौंख लेता था, बड़ा सुपाच्य आटा होता था। अब वो बंद हो गया, बंद बोले तो अब लोगों को नहीं खाते हैं, अब सफेद गेहूं कनक खाते हैं, तो वो गया। लेकिन वो भारी भी होती है, पचने में भी तकलीफ, उसको टाइम लगता है, वो उसमें वो है। तो महाराज जी कहते हैं कि इसमें गोपी गीत में भी नशा है। किसका नशा? बोले प्रेम का नशा है, भक्ति का नशा। इसका पाठ करने वाले व्यक्ति के चित्त में प्रेम आ जाता है, भक्ति आ जाती है। जैसे उल्टा सीधा नशा कोई करे तो आंखों में लालिमा छा जाती है, यहाँ चित्त में प्रेम की लालिमा छा जाती है इस गोपी गीत का पाठ करने से।
तो इसलिए हम लोग इसका पाठ भी करेंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा श्लोकों का भाव कथन भी करने की चेष्टा करेंगे। सो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं है तो सुनिएगा, सुनने से भी मंगल होगा। श्री गोपिका गीत गोप्य उचु जयति ते धिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी दैत दृश्यता दिक्षुतावता स्वैत्रता सव स्वामी चिन्वते शरदुताश्रये साधु जात सरस्योत्तर श्रीमृषादश सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद विषजलाख्यया राक्षसा वर्ष मारुता तैतुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया वृषभदेवयम् रक्षिता न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिनामन्तरात्मके विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखवो देवान् सार्वगामये आचार्य टीका करते हुए कहते हैं कि गोपियों ने गोपी गीत का प्रारंभ जय शब्द से किया है। जय शब्द मंगलाचरण का सूचक भी है और विजय की सूचना भी देता है। गोपियां कहती हम हार के गोपी गीत नहीं गा रही हैं, जीत के गा रही हैं। अरे जीता क्या तुमने? बोले प्रेम का मैदान जीत लिया। अरे प्रेम का मैदान कैसे जीत लिया? तुम्हारे प्रियतम तो ध्यान से सुनिएगा करुणा निधान, तुम्हारे प्रियतम तो तुमको छोड़कर चले गए, फिर तुमने प्रेम का मैदान कैसे जीत लिया? तो आचार्य आज्ञा करते हैं प्रेम में जीत हार दिखती है, लेकिन वो हार दिखती है लेकिन वो जीत होती है। बोले कैसे? बोले प्रेम में जिसके पास विरह होता है उसी की जीत होती है। मेरे भाई बहन, प्रेम में जिसके पास विरह है वो जीता है, प्रेम के में जिसके पास विरह वो जीता है, और जिसको मिला हुआ है वो कहता हा हमारा प्रेम जीत गया। ये जीत नहीं है, ये हार है। कई कई लोगों का वो प्रेम विवाह होता है ना, तो विवाह से पहले तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद ऐसे खुश होते कि वाह हमारे प्रेम की जीत हो गई, हमने शादी कर ली, हमारा हम एक हो गए, हम जीत गए। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही आप देखिए क्या सामने आते हैं नजारे। मेरे भाई बहन, प्रेम में मिलन को जीत नहीं माना है, प्रेम में विरह को जीत माना है। ये पाठ नहीं पढ़ते प्रेम करने वाले लोग। प्रेम करने वाले सिर्फ मिलन को ही महत्व देते हैं, ये भूल है। ध्यान से सुन लीजिए कान खोल के, और बड़ों को नहीं कह रहा हूं मैं तो, मेरे छोटे छोटों को कह रहा हूं। प्रेम में मिलन हार है भाई। हार बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि मिलन बुरी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन प्रेम में महत्व मिलन का नहीं है।
मिलन से कभी प्रेम का रस बड़ा नहीं है, प्रेम का रस बड़ा है। अरे मिलन का भी महत्व कब बढ़ता है? जब मिलन के पूर्व विरह हो तो मिलन का महत्व बढ़ता है। पसीने से तर बतर व्यक्ति हवा की जितनी कद्र करता है उतना मेरे भाई बहन ठंडी हवा के झोंकों से आया हुआ व्यक्ति करता है क्या? बोलिए। इसलिए प्रेम में मिलन उपलब्धि नहीं है, प्रेम में विरह ही उपलब्धि है। इसलिए गोपियां कहती कि हम जीत गई क्योंकि हमको विरह मिला। इसलिए ये श्याम सुंदर, अगर ऐसे ही विरह में हमको मारना था, तड़पाना था, तो फिर हमको अलग अलग राक्षसों से बचाया क्यों? अगासुर, बकासुर, काकासुर, इन सब से क्यों बचाया? वो ही मार डालते तो बस खत्म हो जाता। ये श्याम सुंदर, और हम तुम्हारी बिना मोल की दासियां हैं, तुझसे कुछ तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए तुम हमारा उल्टा जो कुछ लेते नहीं उनका ध्यान रखना जिम्मेदारी है। हम तो बिना मोल की दासियां हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई लायक ही नहीं कि जिसके कारण आपसे कुछ मांग कर सके। गांव की गवारिन गोपियां हैं, बस हमारे हृदय की व्यथा समझ कर कृपा कर दो। क्या श्याम सुंदर आपको हमारे हृदय की व्यथा का ज्ञान नहीं? क्या श्याम सुंदर आपको हमारे हृदय की व्यथा का ज्ञान नहीं? अरे आप अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, अखिल देहधारी प्राणियों के अंतरात्मा के साक्षी हैं। जब आप सबकी अंतरात्मा के साक्षी, जब सबके दिल की जानते हैं, तो आप हमारे भी तो जानते होंगे। इसलिए हे श्याम सुंदर हमारे ऊपर कृपा करो। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम कैसी कृपा चाहते हो, तुम कैसी कृपा चाहती हो? तो गोपियों ने कहा कुछ नहीं, शिरसी देहिना श्री करग्रम, बस आप अपना दिव्य कर कमल हमारे माथे पर रख दीजिए, हम इतनी ही कृपा चाहती हैं। आहा, आगे गोपियां कहती है, सुनिए। ब्रज जनार्ती हर धीर योषिता निज जनस्मय सके पवन करिष्मनो जल रुहारनम चारु दर्शन प्रणत देहिना पाप कर्षनम तृण चरानुगम श्री निकेतन फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम सांवरी सलोनी सूरत देखने को मिल जाए तो हमारा सारा कष्ट अभी के अभी मिट जाए। लेकिन आप तो बड़े भाव खा रहे हैं। हे श्याम सुंदर, आपके जो चरण कमल हैं वो सब सबके कष्ट दूर करते हैं, वो सबके कष्ट दूर करते हैं। हे श्याम सुंदर, हमारे भी कष्ट को आप दूर करिए। आप
जंगल में घूम रहे हैं, हमको बहुत पीड़ा हो रही है, आप कृपा करिए। शिरसि देही न हाथ रखने में संकोच है, मुख कमल दिखाने में संकोच है, तो अपना चरण कमल हमारे हृदय पर रख दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, एक मानसिक संवाद कर रही है गोपियों, ठाकुर जी ने कहा मुझे संकोच होता है, चरण तुम्हारे हृदय पर कैसे रख दूं? तो गोपियों ने कहा, ब्रज की कंकरीली पथरीली धरती पर चरण रखने में संकोच नहीं, और तो और उस कालिया नाक के विष भरे फन पर चरण रखने में संकोच नहीं, तो फिर हमारे हृदय में चरण रखने में संकोच क्यों? हे श्याम सुंदर कृपा कर दीजिए। भगवान ने कहा वो भी संकोच है, तो बोले मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, दो बात ही हमसे बोल दो, अपनी उस मधुर वाणी में वल्गु वाक्य दो बात ही बोल दीजिए। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी कहते हैं तुम मेरे पीछे क्यों लगी हो, जो लाभ मैं दे सकता हूं वही लाभ जो है मेरी कथा दे सकती है, वही लाभ मेरी कथा दे सकती, मेरी कथा का आश्रय करो। पर गोपियां कहती, नहीं श्याम सुंदर, तुम्हारी कथा तो उल्टा ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारी कथा उल्टा ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारा प्रेम ऐसा है कि जीने नहीं देता और तुम्हारी कथा ऐसी कि मरने नहीं देती, क्या करें? महाराज एक उदाहरण दे रहा हूं, बुरा मत मानना प्रेमियों, कथा और श्री कृष्ण ने भक्तों को फुटबॉल बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कथा में जाओ, कथा कहती कृष्ण के पास जाओ, और भक्त जो है बस यही हिचकोले खाते हैं, महाराज कभी कथा से कृष्ण की और कृष्ण से कथा की, बस ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आनंद है कथा और कृष्ण एक है, हमारे प्राण प्यारे का हम खेलने का उपकरण ही बने हैं, ये भी अपने लिए सौभाग्य है मेरे भाई बहन। ठाकुर जी हमारे से खेल रहे हैं, हमारे मन से चित्त से खेल रहे हैं, यही अपना सौभाग्य, कहीं तो काम आ गए, कहीं तो काम आ गए मेरे भाई बहन। महाराज गोपी कहती, आपकी कथा बड़ी शीतल है, एक पानी गरम हो रहा हो, एक तेल गरम हो रहा हो, गरम हो रहे पानी में एक लोटा ठंडा पानी डालो तो वो गरम पानी में शीतलता आएगी, लेकिन गरम हो रहे तेल में एक लोटा ठंडा पानी डालो तो वो तेल और खौल उठेगा, इसलिए आपकी कथा शीतल जल के लोटे जैसी है और हमारा चित्त उकलते हुए तेल जैसा है, इसलिए हमको कथा आपकी पचेगी नहीं, आपकी कथा नहीं। हे श्याम सुंदर, हमें तो बस आपकी बातें याद आती है, आपका स्वरूप याद आता, आप वो हमारे लिए कुछ प्रसाद दीजिए। चलसी अत प्रजाचारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल त्रिणापुरे सीधति न कलिलता मन
को इतनी चिंता है। आप जब वन में गाय चराने को जाते हैं तो हमारा मन सोच सोच कर दुखी होता है कि आपके चरणों में कांटे कंकड़ चुभ रहे होंगे। हे श्याम सुंदर, संध्या को जब आप लौट करके आते हैं, आपकी घुंघराली अलकावली में गोरज उड़ उड़ करके लग गई होती, आपके वो कुंतल केश गोरज के उड़कर लगने से पांडुरंग हो गए, और उन दिव्य केशों को देख करके आपका वह श्रमयुक्त मुखारविंद और मधुर लगता है, आपका वह स्वरूप, आपका वह सौंदर्य, आपका वह श्रृंगार हमारे चित्त में मिलनोत कंठा को बढ़ाता है। हे श्याम सुंदर, आपके चरणों को हम याद करती हैं क्योंकि आपके चरण सब अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हे श्याम सुंदर, तुम्हारा अधरामृत आहा मिलन के सुख को आकांक्षा को बढ़ाने वाला है, विरह जन्य शोक को दूर करने वाला है। हे श्याम सुंदर, उस अधरामृत को बांसुरी पीती है और बांसुरी से फिर वो हम तक पहुंचता है। हे श्याम सुंदर, एक बार फिर से वो प्रसाद हमको पिला दो। हे श्याम सुंदर, तुम्हें देखे बिना एक पल भी युग के समान बीतता है। हे श्याम सुंदर, हम पर कृपा करो। अब हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि जो कुछ भी बंधन था, जो कुछ भी संबंध था, वो सब हम पति सुतान्वय बांधवाते गतिविदस्तवो हितमोहिता हितमयोषिता रहसि संविदं वृक्षयो भयं रहसि तारणं प्रेमवेक्षणं प्रदुरप्रियो वृक्षदामते को देखते समय पलक भी गिर जाती है तो हमको बहुत
पलक का होना ही बेकार लगता है कि ये काय को पलक बनाई विधाता तूने, जो श्याम सुंदर के दर्शनों में अवरोध करती है। और जहां आप एकदम ही आंखों से ओझल हो गए तो अब कैसे हम रहें? हे श्याम सुंदर, हम अपने सब परिवारजनों की आज्ञा का, उनकी बातों का उल्लंघन करके आपके पास आई, और यूं ही नहीं आई, आपके संकेतों को समझ के आई, आपके हाव भाव को समझ करके आई, तुम्हारे मधुर गान की गति को समझ कर उस दिशा में आई। और ऐसे में भाई तुम जैसे कपटी ही छोड़कर जा सकते, बाकी तो कोई नहीं जा सकते। हे प्यारे, आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, हमारे को थोड़ी सी औषधि दे दीजिए। ठाकुर जी ने कहा, चलो बताओ तुम्हारी औषधि क्या है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुस्तनेषु, हमारी औषधि इतनी है कि आप अपना चरण हमारे ताप युक्त विरह युक्त हृदय पर रख दीजिए। यदि हे श्याम सुंदर आपने ये अनुग्रह नहीं किया तो फिर शायद जीवित रहना भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, फिर प्राण धारण करना भी कठिन हो जाएगा। ऐसे व्याकुल होकर के उन गोपियों ने रोदन करते हुए प्रभु को पुकारा, तो जो श्याम सुंदर कहीं गए नहीं थे, ठाकुर जी कहीं गए नहीं थे, असल में ठाकुर जी कहीं जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं, लेकिन जब हम खुद पर गौर करने लग जाते तो भगवान अपने आप ही दिखना बंद हो जाते। जब हम खुद में ही मशगूल हो जाते हैं, खुद के ही उस पर मुग्ध बने रहते हैं खुद पे ही, तो कौन दूसरा दिखे। मेरे भाई बहन, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी सभा में जाइए, किसी भी समारोह में जाइए, ये सोच करके जाइए वहां हमें जो भी अच्छा लगेगा हम उसकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन हम तो यही सोच के जाते हैं कि हम ही सबसे अच्छे हैं, प्रशंसा हो तो हमारी हो। एक भाई बहुत बढ़िया सूट पहन करके जाए तो किसी और ने अच्छा सूट पहन रखा उसको ये नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जच रहे हैं, वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता कि अच्छा तो मैं ही जूं, बढ़िया तो मैं ही लग रहा हूं, तो और अच्छे लग ही नहीं सकते तो मैं क्यों कहूं कि अच्छे लग रहे हो। कहते नहीं, ये भूल है। आप कह के तो देखिए, जितनों को आप अच्छा कहेंगे उससे दुगने आपको अच्छा कहेंगे। खैर, तो भाई इसीलिए गड़बड़ हो जाती कि जब हम खुद में ही खो जाते तो हमको दूसरे क्या नजर आए। भगवान तो कहीं जाते नहीं, लेकिन हम अपने में ही डूबे रहते हैं, भगवान नजर आते नहीं। अब भगवान ने गोपियों से कहा, चलो अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण किया जाए। और एक गोपी एक श्याम, इस भाव से बड़ा अद्भुत महारास ठाकुर जी ने प्रकट किया। ऐसा अद्भुत महारास प्रकट किया है मेरे भाई बहन, क्या बताएं, उस महारास की कोई सीमा नहीं है, उसके आनंद की कोई सीमा नहीं। ऐसा दिव्य आनंद महारास में प्रकट हुआ है। कृपानाथ, बड़ा सुंदर गोपियों का ठाकुर जी का संवाद हुआ। इसके बाद युगल गीत का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रू वृधरार्पित वेणु। इसके बाद करुणा निधान कंस ने अक्रूर जी महाराज को ब्रज में भेजा, श्री ठाकुर जी को मथुरा लाने के लिए। पहले तो अक्रूर जी को अटपटा लगा कि मैं श्री कृष्ण बलराम को मथुरा लाऊं और यहां इन्होंने कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं ही अपराधी माना जाऊंगा, इसलिए श्री अक्रूर जी महाराज संकोच करते। लेकिन बाद में अक्रूर जी के मन में आई कि कुछ भी हो, इसी बहाने कम से कम श्री कृष्ण के दर्शन तो होंगे, और अपने मन में सुंदर भाव बना करके और श्री अक्रूर जी महाराज जो है ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हैं। आहा,
ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हैं। आहा, आज मेरा मंगल उदय हुआ है, आज मेरा मंगल उदय हुआ है जो मैं श्री कृष्ण को देखूंगा। मन में बहुत सोचते सोचते जा रहे हैं, वो मुझे देखते ही गले लगा लेंगे, मैं उनका मधुर मुखारविंद देखूंगा, ऐसे ऐसे वो भरे हुए जा रहे हैं। करुणा निधान इस प्रकार भगवान के बारे में सोचते सोचते अक्रूर जी ब्रज में पहुंच गए और संध्या के समय ब्रज में पहुंचे। सूर्य नारायण अस्ताचल में जा रहे थे तो ठाकुर जी के दिव्य चरण कमल जो गैया के पीछे पीछे चलते हैं, उन चरणों के चिन्ह ब्रज में रज में अंकित हैं और उसमें अंकुश ध्वजा आदि के निशानों से समझ में भी आ रहा है कि ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह हैं। श्री अक्रूर जी महाराज प्रेम विह्वल हो रहे हैं। महाराज उन चरण चिन्हों को देखते ही अक्रूर जी प्रेम विह्वल हो गए, रथ से कूदकर उन चरणों में लोटपोट होने लगे। आहा, ये हमारे प्रभु की चरण रज है, ये हमारे स्वामी की चरण रज है। मेरे भाई बहन, ये गोधूली वेला में प्राप्त होने वाला आनंद है, जहां गैया होती है और वन में चरने को जाती है और संध्या के समय जब लौट करके आती है और उसके चरणों से जब रज उड़ती है, उसे गोधूली वेला कहते हैं। और किसी भी मांगलिक कार्य के लिए सबसे सुंदर मुहूर्त जो होता है वो गोधूली वेला का मुहूर्त होता है। सभी पूज्य आचार्य वृंद विद्वान बैठे हैं, गोधूली का मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। मुहूर्त का संबंध मैंने बताया भी होगा पूर्व में आपको, ग्रह नक्षत्र लग्न आदि का जातक के अनुकूल होना वही मुहूर्त होता है। लेकिन गाय जब प्रसन्न हो तो सब अनुकूल है, गाय जब प्रसन्न हो तो सब अनुकूल है। मेरे भाई बहन, जिस दिन हमारे भारतवर्ष में भी सब गोवंश प्रसन्न होगा, मेरे भाई बहन वर्तमान समय में गोवंश के साथ साथ गायों की समस्या के साथ साथ नर गोवंश का कष्ट बहुत ज्यादा है। गायों का फिर भी गोष्ठ में पालन हो रहा है, कई लोग गाय को व्यक्तिगत रूप से पाल रहे हैं, लेकिन जो बैल है नंदी है उनको तो मेरे भाई बहन एकदम बेकार समझ करके सड़कों पर छोड़ दिया जा रहा है। भगवान शिव के मंदिर में नंदी के ऊपर फल चढ़ाए जा रहे हैं, दूध चढ़ाया जा रहा है, भोग लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो नंदी सड़कों पर नजर आ रहे उनको डंडों से पीट कर भगाया जा रहा है, कसाई पकड़कर कसाई खाने ले जा रहे हैं। कैसी शिव भक्ति का शिव भक्त परिचय दे रहे हमको समझ नहीं आता। मेरे भाई बहन एक बात तो थोड़ी अटपटी है, मेरे को नहीं कहनी चाहिए महाराज जी, लेकिन मन में आती तो कहता हूं कि क्यों ना एक बार ऐसा किया जाए कि सारे शिव भक्त और सारे कृष्ण भक्त एक सम्मेलन करें, जिसमें दुनिया भर के सारे कृष्ण भक्त आ जाएं और दुनिया भर के शिव भक्त आ जाएं और दोनों विभाग बांट ले कि गाय संभालने का काम हमारा और नंदियों को संभालने का काम शिव भक्तों का, तो कितना अच्छा हो। हर शिव भक्त को कम से कम अपने जीवन में एक नंदी की सेवा तो करनी चाहिए। और मेरी प्रार्थना है गोशाला के साथ साथ अब नंदीशाला भी खोली जानी चाहिए, और कोई दूसरा समाधान सा नजर नहीं आता है। मेरे भाई बहन, औषधि की दृष्टि से भारतीय गोमाता का ही गोबर गोमूत्र उपयोगी है, लेकिन खाद की दृष्टि से बैल का नंदी का भी गोबर गोमूत्र जो है वो उपयोगी, खाद में वो काम आ सकता है, उसका अच्छा उपयोग हो सकता है। देश के किसानों को सद्बुद्धि आए और देश के किसान जो यूरिया फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल करके फसल पका रहे हैं, वो गौ माता के गोबर गोमूत्र की खाद डालकर फसल पकाए। जिस दिन देश के किसान गाय के गोबर गोमूत्र की खाद का उपयोग करके फसल पकाएंगे, उस दिन देश का जो स्वास्थ्य रक्षा का बजट है वो आधे से भी कम रह जाएगा, लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे। अनेक चिकित्सकों के मुंह से सुना है
कि देश में जितनी बीमारियां फैल रही है उन बीमारियों में 80% जो कारण है वो खान पान ही कारण, अनुचित आहार विहार के कारण रोग फैल रहे हैं, गलत खान पान के कारण। मेरे भाई बहन कृपा करिए, ध्यान दीजिए, हम ही लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर से कोई नहीं आएंगे। कोई नेताओं के भरोसे मत रहिए, कोई सरकार के भरोसे मत रहिए, अपनी अपनी ओर से सब प्रयत्न पूर्वक गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की रक्षा करिए। मेरे भाई बहन कई बार ऐसा भी लगता है कितनी गौशालाएं खुली हैं, कितने क्या हैं। मेरे भाई बहन सबकी आवश्यकता है, हो सकता है कई लोग गौशाला के नाम पर, गायों के नाम पर अपने स्वार्थों का पोषण करते होंगे, लेकिन हम लोग समझदार हैं। जब अपने लिए कोई वस्तु खरीदते हैं तो भी हम अपने आप समझदारी से सब पता लगा लेते हैं कि किस कंपनी का माल बढ़िया है, किस कंपनी के माल में क्या कमी है। तो मेरे भाई बहन गो सेवा के विषय में भी जहां आपको प्रामाणिक सेवा होती नजर आए वहां पर आपको भी प्रामाणिक बनकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए मेरे भाई। तो गोधूली वेला जब गाय, मैं तो मन में विचार करता हूं कि गाय है तो गोपाष्टमी का उत्सव है, गाय है तो गोवर्धन पूजा है, गाय है तो दीपावली है, गाय है तो भागवत में माखन चोरी है, गाय है तो भागवत में गोचारण है, गाय है तो भागवत में गोवर्धन लीला है। गाय नहीं रहेगी तो गोधूली वेला भी कहां है, क्या होगा आप समझ में नहीं आता। बस हम सबको मिलके कोशिश ये करनी है कि चाहे जो हो जाए लेकिन हम गाय का रक्षण संपोषण करके इस परंपरा को मिटने नहीं देंगे। मेरे भाई बहन मैं पहले भी कई बार बोला हूं, फिर से बोल रहा हूं, जितने लोग पांडाल में बैठे हैं, मैं सबको तो नहीं जानता हूं, कुछ एक को जानता हूं, सबको तो नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस पांडाल में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मेरे पूर्वजों ने कभी गोपालन नहीं किया, मेरे बडेरों ने कभी गाय की सेवा नहीं करी, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। हम सब की पुरखों की परंपरा में गौ सेवा रही है। कोई कहेगा हमारे दादाजी परदादाजी 50 गाय पालते थे, कोई कहेगा 100 पालते थे, कोई कहेगा 10 पालते, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जो कहे कि हमारी परंपरा में तो कभी गाय का नाम ही नहीं रहा, ऐसा एक भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मेरे भाई बहन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आज से 5 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी पहले कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में गौ माता की श्रेष्ठ सेवा हुई है, उसी का परिणाम है कि आज हम गंगा किनारे बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं, अपना सुंदरता से पर्व काल में कालक्षेप कर रहे हैं। और अभी की हुई हमारी गौ सेवा भविष्य में जाकर हमारे बच्चों के जीवन में भी ऐसी श्रेष्ठता को प्रकट करेगी। नाथ श्री अक्रूर जी महाराज, श्री अक्रूर जी महाराज नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा से मिले और नंद बाबा को बताया अपने आने का प्रयोजन। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए, सारे ब्रजवासी दुखी हो गए। यशोदा मैया को पता चला, वो तो कैसे इस कष्ट को सहन कर पाती थी, अत्यंत व्याकुल हो गई। रात्रि भर श्री कृष्ण के मुखारविंद को अपनी गोदी में रख करके रोती रही। श्री ठाकुर जी मैया को समझाते हैं, अरे मैया मैं जल्दी आऊंगो, तू चिंता क्यों करती, तू रोती क्यों है, ऐसे समझाया है। मेरे भाई बहन इसके बाद बड़ी कठिनाई से श्री ठाकुर जी ब्रज से विदा होते हैं। ब्रजवासी श्री कृष्ण के रथ को घेर लेते हैं, बहुत मुश्किल से समझा के रथ को आगे बढ़ाते हैं। जब तक रथ दिखता है खड़े रहते हैं, रथ दिखता है खड़े रहते हैं, रथ की झंडा दिखता है तब तक खड़े रहते हैं, रथ से उड़ने वाली रज दिख रही है तब तक खड़े रहते हैं। और जब वो रज दिखना भी बंद हो गई तो वहीं रज में लोटपोट होकर सिर पछाड़ पछाड़ के रोने लगे, श्याम के बिना इस ब्रज में अब क्या रखा है। इधर हमारे श्री ठाकुर जी मथुरा पहुंचते हैं, अक्रूर जी जाकर कंस को खबर कर देते हैं कि मैं कृष्ण बलराम को ले आया हूं।
नंद बाबा भी कुछ ग्वाल बालों को लेकर ठाकुर जी की चिंता करते हुए मथुरा आते हैं। श्री ठाकुर जी मथुरा नगरी का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। मथुरा नगरी का भ्रमण करते हुए श्री ठाकुर जी सबसे पहले रजक धोबी के ऊपर कृपा करते हैं, एक वस्त्र सिलने वाले दर्जी पर कृपा करते हैं, सुदामा माली पर कृपा करते हैं, कुब्जा पर कृपा करते हैं, उसका चंदन स्वीकार करते हैं। फिर बाद में कोलिया पीड़ाती का वध करके धनुष भंग करके कंस के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पर शल तोशल मुष्टिर चाणूर ऐसे सब पहलवानों के साथ युद्ध करते हैं। महाराज जैसे एक वस्त्र धोने वाला वस्त्र को हाथ में लेकर घुमाकर पत्थर पर पटक के उसका मैल निकालता है, ऐसे ठाकुर जी एक हाथ में एक पहलवान दूसरे हाथ में दूसरा पहलवान घुमा घुमा कर पटक पटक कर उनके प्राण निकाल रहे। अब बड़े बड़े पहलवान जब निपट गए तो छोटे मोटे यूं ही भग गए। कंस चिल्लाने लगा, भाग कहाँ रहे हो, पकड़ो इन छोरों को, मारो मारो। अब वो भागते हुए पहलवान कहते, जब हमारे उस्ताद नहीं टिके तो हम कहाँ से टिकेंगे, हम मरेंगे नहीं, हम जा रहे हैं। अरे कंस ने कहा, मैंने तुमको साल भर से घी खिला खिला करके और ये बल प्रदान किया और अब तुम ऐसे चले जा रहे हो। उन्होंने कहा, हम घी लौटा देंगे लेकिन यूं ना मरेंगे। सारे पहलवान भग गए और श्री ठाकुर जी कंस के सामने पहुंचे। कंस कहता, मूड अब तुझे पता चलेगा, अभी मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। ठाकुर जी उछल कर कंस के पास पहुंच गए और वहां पहुंच करके महाराज कंस तलवार निकालकर ठाकुर जी को मारने के लिए उद्यत होता है। इधर प्रहार करे ठाकुर जी इधर आ जाते हैं, इधर प्रहार करे ठाकुर जी इधर आ जाते हैं। बेचारे कंस का सिर चकराने लगा। ठाकुर जी ने एक जोर का घूसा कंस को मारा तो उसका मुकुट गिर गया। ठाकुर जी ने झट उसकी चोटी पकड़ ली। बताओ कंस जैसे दुष्ट भी चोटी रखते थे, वो भी चोटी रखते थे, और हम लोग सज्जन हैं, भक्त हैं, फिर भी शिखा रखने में हमको संकोच होता है। मेरे भाई बहन शिखा अवश्य रखनी चाहिए, हालांकि अभी ये उचित समय नहीं है शिखा की महिमा सुनाने का, लेकिन क्योंकि कंस का बेचारे को पकड़ रखी है चोटी और ठाकुर जी ने चोटी पकड़ कर कंस की उसको घुमाया, घुमाकर धरती पर पटका और सारे ब्रह्मांड का भार अपने अंदर लेकर के और ठाकुर जी कंस की छाती पर जोर से कूदे, कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। बोलिए बाल कृष्णलाल की जय, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय गाइए जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे ओ मुरली वारे, नंद के दुलारे ओ मुरली वारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, ओ जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, नंद के दुलारे संत रखवारे, नंद के दुलारे संत रखवारे, करुणा निधान इस प्रकार कंस को पहुंचा दिया ठाकुर जी ने अपने धाम। बाद में अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागृह के बंधनों से मुक्त किया, अपने नाना जी को राजगद्दी पर बिठाया, नंद बाबा को समझा कर वापिस ब्रज में भेजा और स्वयं विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम उज्जैनी पधारे।
वहाँ पर जहाँ की श्वास सहज श्रुति चारी सो हरि पड़े या कौतुक भारी। कभी कभी तो लगता है कि सिर्फ सुदामा जी के साथ मैत्री स्थापित करने के लिए ठाकुर जी सांदीपनी आश्रम गए, बाकी उन्हें कहाँ विद्या की। लेकिन वहाँ रहे, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु जी का मृत पुत्र जो था उसको जीवित ला करके और गुरु जी को समर्पित किया। बाद में पुनः मथुरा लौट करके आए। अब मथुरा में मेरे भाई बहन ठाकुर जी विराज रहे हैं। ब्रज की ओर से हवा आती है, ठाकुर जी का हृदय भर आता है, बहुत याद करते हैं, सब ब्रजवासियों को आंखें भर आती हैं, रोते भी हैं, व्याकुल भी रहते हैं। श्री ठाकुर जी के सखा उद्धव जी, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतक सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तम। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, वृष्णी वंशियों में प्रधान पुरुष हैं, उद्धव जी भगवान के मित्र हैं। कृष्णस्य दैतक सखा, ठाकुर जी के प्रति स्वामी भाव रखते हैं लेकिन ठाकुर जी उनको अपना मित्र समझते हैं। महाराज, उनको ठाकुर जी ने निमित्त बनाया, आप जाकर के उद्धव ब्रज में मेरे ब्रजवासियों तक मेरा संदेश कह आओ। उधो मैया को सुनियो तेरो लाला दुख पावे। हे उद्धव, मेरी माँ को कहना तेरा लाला बहुत दुखी है। अरे काहू ना मुख पूछे मेरी मैया को ना हुल रावे। मैया थोड़ी थोड़ी देर में लाला का मुख पहुंचती थी, थोड़ा भी कहीं कोई तिनका लगा, कोई रज लगी, खाते समय कुछ लगा, फट अपने आंचल से मुख पहुंचती थी, तुरंत अपने आंचल से मुख पहुंचती थी। मैंने कल आंचल की महिमा बताई थी ना।